बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मार्मिक पत्र लिखा है। इस पत्र में पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के खराब सेहत का हवाला देते हुए फिलहाल चुनावी तैयारियों में खुद ही सक्रिय हो जाने में असमर्थता भी जाहिर की है। साथ ही लोगों के विकास के लिए कार्यकर्ताओं से LJP के रोड मैप के साथ जनता के बीच जाने को कहा है। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दलों की तरह चुनावी तैयारियों में जुटी LJP की रफ्तार फिलहाल थोड़ी थम गई है। दरअसल पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत खराब है। वो ICU में भर्ती हैं और उनकी देखभाल के लिए LJP अध्यक्ष चिराग पासवान भी दिल्ली में ही हैं। दिल्ली से ही LJP चीफ ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक मार्मिक खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपने बिहार न जाने की मजबूरी लिखी, साथ ही कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच रहने के भी निर्देश दिए। चिराग पासवान ने 20 सितंबर को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जारी एक मार्मिक खत में लिखा कि कोरोना काल में लोगों को राशन मिलने में दिक्कत न आए, इस वजह से पापा अपने रूटीन हेल्थ चेकअप को टालते रहे, जिसके चलते वो थोड़ा अस्वस्थ हो गए। पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। मैं अस्पताल में पापा को रोज बीमारी से लड़ते हुए देख रहा हूँ। पापा ने मुझे कई बार पटना जाने का सुझाव भी दिया, लेकिन बेटा होने के नाते उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए संभव नहीं। आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इन मार्मिक बातों के अलावा LJP चीफ ने अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये हिदायत भी दी कि लोगों के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए वो LJP के रोड मैप को लेकर जनता के बीच पहुँचे। बहरहाल इन दिनों NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है। कुछ समय पहले तक NDA में सहयोगी LJP की जदयू से खींचतान और चिराग पासवान की मुख्यमंत्री से नाराजगी सीट शेयरिंग के लिए साफ तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल पिता की सेहत के लिए दुआ मांगते चिराग पासवान सीट बंटवारे पर बात को विराम दे रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।